एक फ्रेंच खोजी इजिप्ट के पिरामिडों में 10 वर्षों तक खोज करता रहा है। आदमी का नाम है बोबिस, वो एक वैज्ञानिक और एक इंजीनियर है। वो ये देख के बहुत हैरान हुआ कि कभी कभी पिरामिड में कोई चूहा भूल से या बिल्ली घुस जाती है, फिर निकल नहीं पाती, भटक जाती और मर जाती। और पिरामिड के भीतर जब भी कोई चूहा या बिल्ली या कोई प्राणी मर जाता है तो सड़ता नहीं, उसमें से दुर्गंध नहीं आती, ममीफाइड हो जाता है, सूख जाता है, सड़ता नहीं। ये हैरानी की घटना है और बहुत अद्भुत। पिरामिड के भीतर इसके होने का कोई कारण नहीं है। और ऐसे पिरामिड्स के भीतर जो कि समुद्र के किनारे हैं, जहां की ह्यूमिडिटी काफी है, जहां की कोई भी चीज सड़नी ही चाहिए और जल्दी सड़ जानी चाहिए, उन पिरामिड्स के भीतर भी कोई मर जाए तो सड़ता नहीं। बहुत खोजबीन की आखिर ये ख्याल में आना शुरू किया कि शायद पिरामिड का जो शेप वही कुछ कर रहा है। सब खोज के बाद कोई उपाय नहीं था। 10 साल की खोज के बाद बोबिस को ख्याल आया कि कहीं पिरामिड का जो शेप, जो आकृति है, वो तो कुछ नहीं करती। तो उसने एक छोटा पिरामिड मॉडल बनाया 3-4 फीट का, और उसमें एक मरी हुई बिल्ली को रख दी। वो चकित हुआ, वो ममीफाइड हो गई, वो सड़ी नहीं। तब तो एक बहुत नए विज्ञान का जन्म हुआ, और वो नया विज्ञान कहता है ज्योमेट्री की जो आकृतियां हैं उनका जीवन ऊर्जाओं से बहुत संबंध है। और अब बोबिस की सलाह पर ये कोशिश की जा रही है कि सारी दुनिया के अस्पताल पिरामिड की शक्ल में बनाए जाएं, उनमें मरीज जल्दी स्वस्थ होगा।